के न्यूज खबरों की नई पहचान। धनबाद जिला युवा मोर्चा की एक बैठक गुरुवार को धनबाद सर्किट हाउस में की गई। युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अमलेश सिंह ने बताया कि केंद्र के निर्देश पर धनबाद में 12 जनवरी से धनबाद जिले में विभिन्न कार्यक्रम चलाया जाएगा, जो 2 मार्च को मोटरसाइकिल जुलूस के साथ खत्म होगा। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में कॉलेज कैंपस, नुक्कड़ नाटक, कमल महोत्सव, खेल प्रतियोगिता आदि शामिल है। पार्टी को जिताने के लिए युवा मोर्चा ने कमर कस ली है। हर विधानसभा में युवा मोर्चा की टीम तैयार हो गई। विजय लक्ष्य को पाने के लिए युवा मोर्चा अहम भागीदारी निभाएंगे। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला पदाधिकारी की बैठक बुलाई गई है और हमारा कार्यक्रम अभी दिल्ली हम लोग गए थे, उसमें दिल्ली से हमारा कार्यक्रम आया हुआ है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई साहब और रामलाल जी संगठन महामंत्री ये कार्यक्रम को दिए हैं, जो पूरे भारत में एक साथ ये कार्यक्रम चलेगा और इसी तरह हम लोग भी धनबाद में इस कार्यक्रम को करेंगे। जो 12 जनवरी से कार्यक्रम चालू है, ये हमारा कार्यक्रम लगातार 2 मार्च को हम लोग मोटरसाइकिल जुलूस के दिन हम लोग समापन करेंगे, जो मोटरसाइकिल जुलूस हर एक विधानसभा में हम लोग को करना है। 12 जनवरी से हम लोग का लगातार कॉलेज कैंपस का कार्यक्रम आया हुआ है, कैंपस में जाएंगे, नुक्कड़ नाटक है, खेल प्रतियोगिता है, कमल युवा महोत्सव है, बहुत सारा कार्यक्रम आया हुआ है और इसी निमित्त हम लोग आज बैठक कर रहे हैं और पार्टी को जिताने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा कमर कस ली है और हर एक विधानसभा में युवा मोर्चा की टीम तैयार हो गई है, हर एक जगह अपना काम कर रहे हैं। बूथ स्तर का कार्यकर्ता हम लोग तैयार कर चुके हैं, लगातार हम लोग चुनाव के मूड में पार्टी आ चुकी है और हम लोग इस विजय लक्ष्य को दिलाने के लिए युवा मोर्चा भी कमर कस रहा है।